हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम में दो नंबर्स के रूप में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आप लोगों को ये सभी प्रश्न कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, उसके बारे में आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग यदि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं, तो इसके बारे में भी वीडियो के कमेंट में बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न आ जाता है, परिसारक दाब क्या है। देखिए, परिसारक दाब बाहर से आरोपित वैसा न्यूनतम दाब जो प्रसरण की दर को रोक दे, उसे प्रसारक दाब कहते हैं। बाहर से आरोपित वैसा न्यूनतम दाब जो प्रसरण को रोक दे, उसे प्रसारक दाब कहते। प्रसारक या परिसारक दोनों एक ही होती है, एक आपको प्रसरण दाब भी मिलता है। तो प्रसरण से ही परिसारक बना है, प्रसारक बना है। तो परिसारक दाब कहीं एग्जाम में मिले या प्रसरण दाब मिले या प्रसारक दाब मिले, तीनों का जो डिफिनेशन होगा यही होगा, बाहर से आरोपित वैसा न्यूनतम दाब जो प्रसरण को रोक दे, उसे प्रसारक दाब या परिसारक दाब या प्रसरण दाब कहते हैं। ये आपके केमिस्ट्री का जो है बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए इसको हमने शामिल किया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जाता है, बिंदु दोष क्या होता है। तो देखिए, आपका वैसा दोष जो ठोस रबों में आयनों के लुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न होती है, उसे बिंदु दोष कहते हैं। देखिए, जब ठोस से आयन लुप्त हो जाते हैं तो उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे बिंदु दोष कहते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है, वैसा दोष जो आयनों के लुप्त हो जाने के कारण उत्पन्न होती है, उसे बिंदु दोष कहते हैं। इसमें फ्रेंकल दोष आयनों के लुप्त होने के कारण होती है। फ्रेंकल दोष जो होता है, वह भी जो होता है आयनों के लुप्त मतलब गायब हो जाने के कारण जो है होती है फ्रेंकल दोष। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि बिंदु दोष और फ्रेंकल दोष दोनों जो होता है आयन के लुप्त हो जाने के कारण, गायब हो जाने के कारण जो है बिंदु दोष और फ्रेंकल दोष भी होता है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, ब्राउनियन गति। तो ब्राउनियन गति क्या होता है। देखिए, कोलाइडल कण बिलियन में लगातार यादृच्छ गति में गमन करती है। कोलाइडल कण मतलब कोई जो है लिक्विड लीजिए, उसमें जो है जैसे दूध है, तो दूध में जो है कुछ कण तैरते रहता है, तो वो कण जो है बिलियन में लगातार, बिलियन मतलब सॉल्यूशन मिला हुआ जो होता है उसे सॉल्यूशन कहते हैं, बिलियन में जो है लगातार यादृच्छ गति में गमन करती है, इस गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। तो आपका यदि पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्राउनियन गति क्या है, तो कोलाइडल कण बिलियन में लगातार यादृच्छ गति में मतलब बढ़ते कमते गति में जो है गमन करती है, तो इस गति को ब्राउनियन गति कहते हैं। अब आपका जाता है, अभिक्रिया का अर्धकाल क्या होता है। तो वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया का उत्पाद मूल मात्रा से आधा हो जाता है, वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया का उत्पाद या कोई अभिक्रिया का उत्पाद मूल मात्रा से आधा हो जाता है, जितना मात्रा मूल में होता है उससे आधा हो जाता है, तो उसे अर्धकाल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका जाता है, संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्यों। संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है। देखिए, संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो है डी कक्षा जो होता है डी, वो अपूर्ण होती है, मतलब कि पूरा पूरी अस्थाई भरा हुआ नहीं रहता है, इसीलिए संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका जाता है,
आईयूपीएससी नेम बताना है आपका K3FECN का हॉल 6। इसका जो है आईयूपीएससी नेम जो होगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। इसका प्रभावी परमाणु संख्या जो हो जाएगा Fe का 26 माइनस K3 है तो -3 है प्लस 12। ये CN जो है इसे -2 होता है तो 6 दुनी +2 तो 6 दुनी 12 तो ये हो गया 26 माइनस 3 प्लस 12। 26 में 12 जोड़ दिए 38 हो गया, उसमें 3 घटा दिए 35। तो Fe का जो है प्रभावी परमाणु संख्या जो हुआ वो 35 हो गया। नेक्स्ट आपका जाता है, कहता है सामान्य अवस्था में H2O सामान्य अवस्था में H2O क्यों तरल अवस्था में होती है जबकि H2S गैसीय अवस्था में होती है। तो आपको जानना है कि H2O जो है जल की अवस्था में मतलब तरल अवस्था में होती है जबकि H2S जो होती है गैस की अवस्था में क्यों होती है। देखिए H2O जो होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है जिसके कारण जो है तरल अवस्था में होती है। H2S में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप में ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आपका जो है H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H2S में नहीं होता है। तो H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होने के कारण जो है यह तरल अवस्था में होता है और H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए यह जो है गैस अवस्था में होती है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर स्पष्ट करें। देखिए मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर निकालना है। देखिए ऑयल ऑफ विंटग्रीन परीक्षण के द्वारा जो है मिथाइल एवं इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर स्पष्ट किया जाता है। कहता है मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर कैसे स्पष्ट हम करेंगे, किस चीज से किया जाता है। तो मिथाइल और इथाइल अल्कोहल के बीच जो है ऑयल ऑफ विंटग्रीन मिथाइल अल्कोहल एवं इथाइल अल्कोहल के बीच अंतर जो है ऑयल ऑफ विंटग्रीन परीक्षण के द्वारा किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल गंध देता है, इथाइल अल्कोहल कोई गंध नहीं देता है। इन दोनों के बीच में ये मुख्य अंतर है। मिथाइल अल्कोहल गंध देता है, इथाइल अल्कोहल गंध नहीं देता है, कोई भी गंध नहीं देता है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है एसिटिक अम्ल से मिथाइल एमीन में कैसे बदलते हैं। ये जो है CH3COOH जो है एसिटिक अम्ल है, जब इसमें NH3 अमोनिया को ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो हम लोगों का जो है CH3COOH2 मिथाइल एमीन बनता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है मोनोमर का नाम लिखें। तो नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है एमिनो हेक्सानोइक अम्ल, नाइलॉन 6 का एमिनो हेक्सानोइक अम्ल जो है मोनोमर है नाइलॉन 6 का, और ब्यूना एस का जो है ब्यूटाडाइन एवं एस्टायरीन जो है मोनोमर है। ब्यूना एस का मोनोमर जो है ब्यूटाडाइन एवं एस्टायरीन और नाइलॉन 6 का जो है एमिनो हेक्सानोइक अम्ल। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है पैरासीटामोल एवं टिंचर आयोडीन के उपयोग का उपयोग बताएं। तो पैरासीटामोल का जो उपयोग होता है बुखार को कम करने में किया जाता है पैरासीटामोल का उपयोग, और टिंचर आयोडीन जो होता है इसका उपयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में जो है टिंचर आयोडीन का किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है क्रिस्टल बिंदु त्रुटि क्या है। तो क्रिस्टल के लैटिस बिंदु में अवयवी कणों के विस्थापन से उत्पन्न दोष को क्रिस्टल बिंदु त्रुटि कहते हैं।
क्या है, तो क्रिस्टल के लैटिस बिंदु से, क्रिस्टल जो होता है कोई भी ठोस उसके लैटिस बिंदु से अवयवी कण के विस्थापन, उसका कण जो एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होता है, स्थान को परिवर्तन करता है, उससे जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्रिस्टल बिंदु त्रुटि या दोष कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्राथमिक सेल क्या है, प्राथमिक सेल क्या है, तो वैसा सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया केवल एक बार होती है उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। एग्जांपल जैसे देखिए NO प्लस, मतलब कि ये जो है नॉट चार्जेबल, मतलब दोबारा चार्ज इसको नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल में हो गया शुष्क सेल, मरकरी सेल, ये जो है कुछ समय प्रयोग के बाद जो है कुछ समय प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाती है। यहाँ पर जो है NOT नॉट रिचार्जेबल है, नॉट चार्जेबल मतलब इसको चार्ज नहीं कर सकते हैं, नॉट रिचार्जेबल जिसको चार्ज नहीं कर सकते दोबारा, और कुछ समय प्रयोग के बाद निष्क्रिय हो जाता है, तो वैसा सेल को कहते हैं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में आ जाता है शुष्क सेल और मरकरी सेल, ये आपका है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। तो विद्युत अपघटन में, फैराडे का जो है विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहता है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर संपन्न अभिक्रिया, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर संपन्न अभिक्रिया का परिमाण विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा का समानुपाती होता है। देखिए विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड जो होता है उस पर जो अभिक्रिया का परिमाण होता है, कुछ मान होता है, वेट होता है, वजन होता है, वो विलयन में प्रवाहित आवेश, देखिए वेट जो है यहाँ W क्या है, वेट है, और ये उसमें प्रवाहित आवेश जो है क्या है, Q है, ये एक दूसरे के समानुपाती होता है। यदि वेट बढ़ेगा तो आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा, परिमाण बढ़ेगा, तो इसे जो है प्रथम नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं, इसे जो है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहते हैं। किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर संपन्न अभिक्रिया का परिमाण जो होता है विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा का समानुपाती होता है, इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करें। देखिए अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। तो आपका जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के घात को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, उस भाग लेने वाले पदार्थों का जो घात होता है, पावर होता है, उसी को कहते हैं अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। घातों के और घातों के योगफल को समग्र कोटि कहते हैं, ओवरऑल ऑर्डर कहते हैं। यदि हमको पूछा जाए कि समग्र कोटि किसे कहते हैं, तो घातों के योगफल को समग्र कोटि या ओवरऑल ऑर्डर कहते हैं। आपका ये प्रश्न हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, सांद्र HNO3 को एल्युमिनियम के पात्र में संग्रह करते हैं क्यों, डाइल्यूट। सांद्र HNO3 जो होता है कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है सांद्र HNO3 जो होता है उसको जो है एल्युमिनियम पात्र में संग्रह करते हैं क्यों। तो आपका आंसर आ जाता है, HNO3 जो है शुरू में एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एक सुरक्षात्मक कवच बना लेता है, ये कवच जो है HNO3 को आगे अभिक्रिया नहीं करने देता है, इसीलिए HNO3 को एल्युमिनियम की पात्र में रखते हैं। देखिए सांद्र HNO3 को जो है एल्युमिनियम के पात्र में संग्रह क्यों करते हैं, आप जान यहाँ बढ़िया से जान गए कि HNO3 जो है शुरू में एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करता है और उससे एक सुरक्षात्मक कवच बना लेता है, और यह कवच जो है HNO3 को उससे आगे जो है अभिक्रिया नहीं करने देता है, इसीलिए जो है HNO3 को एल्युमिनियम पात्र में रखते हैं जिससे कि आगे वो और अधिक अभिक्रिया नहीं कर सके। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, सल्फर SF6 बनाता है परंतु SCl6 नहीं, मतलब सल्फर जो है फ्लोरीन के साथ 6 बनाता है क्लोरीन के साथ नहीं, क्यों।
तो आप देखिए यहाँ जो है फ्लोरीन का आकार जो है, फ्लोरीन का आकार जो है छोटा होता है, जिसके कारण फ्लोराइड का आयन F- सल्फर को चारों तरफ से घेर लेता है। फ्लोरीन का जो है आकार फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, जिसके कारण फ्लोराइड आयन सल्फर को चारों तरफ से घेर लेता है और SF6 बनाता है। जबकि क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से बड़ा होता है, इसीलिए क्लोरीन आयन सल्फर को चारों तरफ से नहीं घेर पाता है, सल्फर से विकर्षित हो जाता है और SF6 नहीं बना पाता है। इसीलिए सल्फर जो है फ्लोरीन के साथ SF6 बनाता है, क्लोरीन के साथ नहीं बनाता है। अब आपका नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, ऑक्सीकरण संख्या निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर इंटू NH3 का होल 4 to the power 2+, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, हम जो है कॉपर का निकालना है, तो हम यहाँ कॉपर को मान लिए हैं X प्लस HN3 का, देखिए NH3 अमोनिया का जो होता है वो 0 होता है, नाइट्रोजन में 3 होता है और हाइड्रोजन 3, माइनस प्लस क्या होगा 0 और 4 जो है घात है, तो 4 × 0 = 0 एक्स प्लस, और ये 2+ बराबर में 2 था, तो एक्स बराबर क्या हो गया 2, तो इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या जो होगा +2 होगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु का नाम क्या है। देखिए हीमोग्लोबिन में जो है आयरन धातु उपस्थित होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बार बार पूछा गया प्रश्न है, ये जो है आयरन धातु जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, BOD और COD से आप क्या समझते हैं, तो BOD जो होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD जो होता है इसका पूरा नाम होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और COD जो होता है इसका पूरा नाम होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ये दोनों का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिए BOD क्या है, कार्बनिक पदार्थ की वह मात्रा है जिसे जीवाणु ऑक्सीकृत करता है, उसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जिसे जो है BOD कार्बनिक पदार्थ की वह मात्रा है जिसे जीवाणु ऑक्सीकृत करता है, और COD जो है वह है जो अम्ल में उपस्थित सभी रसायनों की मात्रा से ऑक्सीकृत किया जा सकता है, अम्ल में जो उपस्थित होता है सभी रसायन उन सभी से जो है COD ऑक्सीकृत किया जा सकता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और वो हुआ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस तरह से BOD और COD भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, टेफ्लॉन का एकलक का नाम क्या है। तो टेफ्लॉन का जो है टेट्राफ्लोरोइथीन होता है, TFE, टेट्राफ्लोरोइथीन TFE, तो टेफ्लॉन का एकलक का नाम जो है टेट्राफ्लोरोइथीन है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, अमीनो अम्ल क्या है ये बताना है, अमीनो अम्ल क्या है। तो आपका आंसर है वे कार्बनिक पदार्थ जिसमें एमीन जो है, एमीन का जो है ग्रुप जो होता है फंक्शनल क्रियाशील ग्रुप वो NH2 होता है, और कार्बोजिलिक का जो है COOH होता है, ये एमीन का ये हुआ कार्बोजिलिक अम्ल का, और ये हुआ ये दो हो गया। कहता है वे कार्बनिक पदार्थ जिसमें एमीन और कार्बोजिलिक क्रियात्मक समूह जुड़े हो उसे अमीनो अम्ल कहते हैं, अमीनो अम्ल कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक क्रियाशील समूह COOH जुड़ा हुआ है कार्बोजिलिक का, और एक जुड़ा हुआ है NH2, तो इसी को कहते हैं अमीनो अम्ल। वे कार्बनिक पदार्थ जिसमें एमीन जो है, एमीन और कार्बोजिलिक क्रियात्मक समूह जुड़े हो उसे अमीनो अम्ल कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, एल्काइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है क्यों। एल्काइल एमीन जो है अमोनिया से प्रबल मतलब शक्तिशाली क्षार है क्यों। तो एल्काइल एमीन में अल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन दाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। अल्काइल एमीन में जो है
अल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन दाता होता है, जो नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दान देने के लिए बनाता है, जबकि अमोनिया में ऐसा नहीं होता है। अमोनिया जो है इलेक्ट्रॉन दाता नहीं होता है, इसीलिए जो है अमोनिया से अधिक प्रबल क्षार है अल्काइल एमीन। अल्काइल एमीन जो है अल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन दाता होता है, इसीलिए जो है यह अल्काइल एमीन जो है प्रबल क्षार है अमोनिया से। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रासरणी दाब। अभी आप पीछे देखे थे प्रासरण दाब, परिसारिक दाब, परिसारक दाब या प्रासरण दाब देखे थे। तो ये जो है प्रासरणी दाब भी वही है। यहाँ जो है वह अतिरिक्त दाब जो प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सॉल्यूशन या विलयन पर लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, उसे प्रासरणी दाब कहते हैं। तो ये प्रासरणी दाब भी वही है। प्रासरणी दाब वह अतिरिक्त दाब जो प्रासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए विलयन पर आरोपित की जाती है, तो उसे प्रासरणी दाब कहा जाता है या कहलाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है? एंजाइम वह है जो जीवित प्राणियों के शरीर में अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, जैसे लाइपेज टाइप टाइलिन। एंजाइम वह है जो जीवित प्राणियों के शरीर में अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, लाइपेज टाइलिन। ये सभी क्या है? एंजाइम हैं।